अक्सर आपने महंगे और आलीशान घरों के बारे में सुना होगा। भारत में भी कई नामचीन हस्तियों के पास ऐसे ही घर हैं, जिनकी कीमत सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। फिर चाहे वो भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी का घर अंटीलिया हो या फिर शाहरुख खान का बंगला मन्नत हो, ये वो घर है जिनकी कीमत कई सौ करोड़ में है। लेकिन जब ये खरीदे गए थे तब इनकी कीमत इतनी भी नहीं थी जितनी इनके बनने के बाद हो गई है। लेकिन आज हम जिस घर की बात कर रहे हैं वो देश में खरीदा गया अब तक का सबसे महंगा घर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के अरबपति निवेशक और डीमार्ट के फाउंडर राधा कृष्ण दमानी के खरीदे गए घर की। जानकारी के अनुसार दमानी ने दक्षिण मुंबई के आलिशान इलाके मालाबार हिल्स में एक घर खरीदा है। इस बंगले की कीमत है 1001 करोड़ रुपए। ग्राउंड प्लस दो मंजिल बंगला मधुकुंज नारायण दाभोलकर मार्ग पर 1.5 एकड़ से अधिक एरिया में फैला हुआ है। इसका कुल बिल्ट अप एरिया करीब 60,000 वर्ग फीट का है और रेडी रैंक रेट के आधार पर इसकी मार्केट प्राइस 724 करोड़ रुपए है। खबरों के मुताबिक दमानी ने अपने छोटे भाई गोपी किशन दमानी के साथ मिलकर ये प्रॉपर्टी खरीदी है। ये डील इसी हफ्ते हुई है। दमानी के फैमिली ऑफिस ने स्टैंप ड्यूटी के तौर पर 30 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि इस प्रॉपर्टी को रीडेवलप किया जाएगा या फिर परिवार मौजूदा स्ट्रक्चर को ही रेजिडेंस के तौर पर इस्तेमाल करेगा। बता दें ये कोई पहला सौदा नहीं है जब राधा कृष्ण दमानी ने प्रॉपर्टी में मोटा निवेश किया हो। जानकारी के अनुसार दमानी ने पिछले 2 महीने में प्रॉपर्टी का ये तीसरा बड़ा सौदा किया है। इससे पहले दमानी के फैमिली ऑफिस ने थाने में मॉन्डलीज इंडिया से 8 एकड़ जमीन खरीदी थी। ये सौदा करीब 250 करोड़ रुपए में हुआ था। वहीं दमानी के रिटेल चेन डीमार्ट ने चैम्बूर में 2 फ्लैट खरीदे जो कि 39,000 वर्ग फीट में बने हुए थे और ये सौदा करीब 113 करोड़ रुपए में हुआ था। हाल के वर्षों में दक्षिण मुंबई के कई बंगलों की जगह बहुमंजिलिया इमारत बन गई हैं। देश के कई उद्योगपति और अमीर लोग अपने पर्सनल यूज के लिए यहाँ बंगले खरीद रहे हैं। 2014 में गोदरेज परिवार ने देश में परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी बाबा का बंगला मेहरानगिर 372 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं 2015 में उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला ने मालाबार हिल में 30,000 वर्ग फीट में फैले जटिया हाउस के लिए 425 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इसके अलावा पूनावाला ग्रुप के चेयरमैन सायरस पूनावाला ने ब्रीच कैंडी में अमेरिकन कंसोलिडेट के लिंकन हाउस के लिए 750 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। उस समय यह देश के किसी बंगले के लिए सबसे महंगा सौदा था। हालांकि अब दमानी के इस आशियाने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब दमानी इस आलिशान घर में कब रहेंगे और क्या इसको रीडेवलप करके रहेंगे, यह आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।